हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर आध्यात्मिकता को क्यों लोग प्रबल मानते हैं और आध्यात्मिकता प्रकृति को कैसे आकर्षित करती है, प्रकृति के नियमों को समझने में कैसे मदद करती है और कुछ समय बाद आध्यात्मिक होने के कुछ समय बाद प्रकृति कैसे आपका सहायक बन जाती है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्राचीन समय में हम जानते हैं, प्राचीन समय से ही जानते हैं कि ये पूरा संसार पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें प्राचीन परंपराओं में, भारतीय परंपराओं में पंचभूत के नाम से भी जाना जाता रहा है। ये पांच बुनियादी तत्व जो है, ये पूरे व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं और आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन को काफ़ी ज़्यादा गहरा असर डालते हैं और उसके जीवन को बदलने में काफ़ी ज़्यादा सहायक भी होते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर किसी तत्व का मानव जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है तो उसमें सबसे पहला आकाश का नाम आता है। ये सबसे अहम तत्व माना जाता है क्योंकि एक व्यक्ति का सारा जीवन इसी पर निर्भर करता है, इसी से जुड़ा हुआ होता है। आकाश पृथ्वी से दूर अनंत क्षेत्र विस्तारित होता है। आकाश तत्व में मानवीय भावनाओं को प्रभावित करने के लिए कई कारक पाए जाते हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो मानव की भावनाओं को प्रभावित करते हैं। इसमें प्रकाश, ऊष्मा और विभिन्न प्रकार की ऊर्जा से भरी हुई तरंगे होती हैं जो आकाश में गमन करती हैं। ये सब मनुष्य में सुनने की भावना को प्रभावित करती हैं और पास में उपस्थित दैवीय शक्ति को शांति प्रदान करती हैं और शांति की तरफ मनुष्य के जीवन को आकर्षित भी करती हैं। आकाश किसी व्यक्ति को अध्यात्म से जुड़े तत्वों के बारे में व्यक्ति को ये बताता है कि व्यक्ति को मन हल्का रखना चाहिए, इसी से जुड़ा हुआ है आकाश। दोस्तों, आध्यात्मिक जीवन का दूसरा पंचभूत तत्व है वायु। वायु सभी जीवित प्राणियों की एक प्राणभूत आवश्यकता है। निसंदेह यह सभी प्राणियों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है और इसी कारण वास्तव में इसमें मानव जीवन के प्रभावी कारक अधिकता से पाए जाते हैं। यह मानव जीवन के ध्वनि, स्पर्श, अनुभूति और पूर्णता का एहसास कराता है। वायु ऐसा आध्यात्मिक कारक है। मानव जीवन को अचानक ज्ञान की तरफ मोड़ने का पूरा श्रेय वायु को तत्व को जाता है। पंचभूत तत्वों में से दूसरा तत्व वायु माना जाता है और इसे मानव जीवन को पूर्णता बदलने के लिए आवश्यक माना जाता है। ऐसा महात्मा बुद्ध के साथ हुआ था। उनका जीवन अचानक परिवर्तन हुआ था जिसके कारण वह गृह त्याग करे और आध्यात्मिक के जीवन में लौट गए। पंचभूत का तीसरा तत्व अग्नि को माना जाता है। अग्नि आध्यात्मिक जीवन को प्रेरित करने का कार्य करती है। यह मानव के भावनाओं का नियंत्रण भी करती है। अग्नि का मानवीय जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है और वह मानव जीवन के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। उत्साह, जुनून, चमक आदि के रूप में उसकी संरचना करता है और उसका नियंत्रण करता है। इसे आध्यात्मिक शक्ति का द्योतक माना जाता है, आध्यात्मिक शक्ति का जन्मदाता माना जाता है अग्नि को। दृष्टि की भावना को नियंत्रण करता है। अग्नि आध्यात्मिक व्यक्तियों में दृष्टि की भावना को नियंत्रित करता है, सदा सकारात्मक दृष्टिकोण रखने में मदद करता है और ये काफ़ी गहरा असर डालता है आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन पर। आध्यात्मिक जीवन का चौथा पंचभूत महातत्व सिद्धांत जल को माना जाता है। यह मानवीय जीवन को आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाने की सामर्थ्यता रखता है। इसमें आध्यात्मिकता के प्रेरक तत्व जैसे स्वाद, स्पर्श, देखने और सुनने की इंद्रियां जो काम करती हैं इसी के आधार पर और इससे ये सब जुड़ा होता है। इसे मानव जीवन की मिलनसार स्वभाव, प्यार, कल्पना शक्ति, लचीलापन आदि भावनाओं को नियंत्रण करने की क्षमता होती है।
प्राचीन समय से ही जल को मानव जीवन के प्रभावशाली कारकों में से एक माना जाता रहा है। यही कारण है कि इसे पंचभूत के महासिद्धांतों में भी शामिल किया गया है। दोस्तों, ये थे कुछ हमारे प्राचीन भारतीय शास्त्रों के कुछ अनोखे ज्ञान, जिनकी मदद से आप अपने सेहत और शरीर में सुधार कर सकते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा जीवन जी सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।